subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. जहां एक ओर कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर सभी देश इस वायरस की दवा बनाने में जुट गए हैं। तो आपको बता दें कि इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि चीन ने यह दावा किया है कि उसने इस वायरस से बचाव के लिए दवा तैयार कर ली है और अप्रैल में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। इस ट्रायल के तहत सबसे पहले दवा का टेस्ट जानवरों पर किया जाएगा। अगर इसके बाद दवा सही साबित होती है तो उसे बाजार में आने में कम से कम 3 महीने तो लग जाएंगे। हालांकि बाकी के और भी देश इस वायरस के इलाज की दवा खोजने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक इसका कोई सफल इलाज नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि चीन से पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने कोरोना की दवा बना ली है और जल्दी इस दवा को मान्यता भी दे दी जाएगी। वहीं भारत भी लगातार इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कोरोना की दवा बाजार में कब तक लोगों को उपलब्ध होगी। इस भयंकर वायरस से अभी और कितनी मौतें होंगी, तब तक आप सभी लोग सावधानियां बरतें ताकि कुछ हद तक इससे बचाव हो सके। साथ ही दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जल्दी इस वायरस का तोड़ भी निकाल लिया जाएगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।